4 दिसंबर को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिसंबर का उत्तराखंड दौरा है और देहरादून में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 3 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जा रहे हैं और 30,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को मिलने वाली है। देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड पर 1 बजे रैली होगी और 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश सरकार और संगठन रैली को सफल बनाने में जुटा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि बड़ी रैली होगी। 1,00,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 1 महीने के अंदर तीसरी बार उत्तराखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये लगातार देखिए चुनाव भी है और प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले आपको याद होता 5 नवंबर को शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने केदारनाथ भी गए थे। जो 1-4 तारीख को जो रैली होने वाली है वो पवेलियन ग्राउंड में होगी, 1 बजे होगी और सबसे बड़ी बात कि 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन, यानी कि पूरी 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं होंगी जो एक तरह की सौगात होगी। और अब चुनाव भी है और इस पूरे जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री लगातार वहां पर जायजा ले रहे हैं। कल खुद मुख्यमंत्री धामी वहां पर गए हुए थे, उन्होंने देखा वहां पर कैसी तैयारी है। साथ ही साथ करीब 1,00,000 भीड़ जुटाने की तैयारी है ताकि एक संदेश दिया जा सके कि बहुत कम समय में धामी ने वहां पर जो एक तरह से एक पार्टी के भीतर और सरकार में अपनी मजबूती बना ली है, क्योंकि तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, सिर्फ चुनाव से 6 महीना पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा संदेश 4 तारीख को जो परेड ग्राउंड है वहां से देने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री मोदी की। सौगात भी होगा और धामी भी अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उत्तराखंड का राज्य छोटा है लेकिन बीजेपी जानती है कि इस छोटे राज्य की अहमियत कितनी ज्यादा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।